नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिपराज आपके लिए फिर से पांच छोटी सी जानकारियां लेकर आई हूं। पहला, दोस्तों क्या आप टाइटन के मलबे मार्गन रॉबर्टसन द्वारा लिखित और 1898 में व्यर्थता के रूप में प्रकाशित एक उपन्यास के बारे में जानते हैं? इस उपन्यास में एक काल्पनिक ब्रिटिश महासागर लाइनर टाइटन है जो एक दुर्घटना के बाद अटलांटिक में डूब जाता है। यद्यपि उपन्यास RMS टाइटैनिक की अवधारणा से पहले लिखा गया था, काल्पनिक और वास्तविक जीवन संस्करणों के बीच कुछ अलौकिक समानताएं हैं। टाइटैनिक की तरह काल्पनिक जहाज अप्रैल में उत्तरी अटलांटिक में डूब गया था और सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं नहीं थी। आकार में भी समानताएं हैं, टाइटन के लिए 800 फीट लंबी बनाम टाइटैनिक के लिए 882 फीट। 9, गति और जीवन रक्षण उपकरण। टाइटैनिक के डूबने के बाद कुछ लोगों ने रॉबर्टसन को पूर्व ज्ञान और दूरदर्शिता का श्रेय दिया, जिसका उन्होंने खंडन किया। विद्वान रॉबर्टसन के जहाज निर्माण के व्यापक ज्ञान के लिए समानता का श्रेय देते हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप हर दिन दौड़ते हैं? हर दिन दौड़ने से कुछ स्वास्थ्य लाभ तो अवश्य होते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि हर दिन केवल 5 से 10 मिनट मध्यम गति से दौड़ने से दिल के दौरे, स्ट्रोक और अन्य सामान्य बीमारियों से आपकी मृत्यु के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन वही शोध यह भी दर्शाता है कि यह लाभ सप्ताह में 4.5 घंटे में सबसे ऊपर है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक दिन घंटों दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दौड़ना एक उच्च प्रभाव वाला व्यायाम है और अधिक प्रशिक्षण से तनाव, फ्रैक्चर और पिंडली की मोच जैसी चोट लग सकती है। प्रत्येक सप्ताह आपके लिए कितने दिन दौड़ना सुरक्षित है यह आपके लक्ष्यों और शारीरिक फिटनेस के स्तर पर निर्भर करता है। क्रॉस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आराम के लिए शेड्यूलिंग दिन आपके ट्रेनिंग प्लान का हिस्सा होना चाहिए। दौड़ने से कैंसर के विकास का जोखिम कम होता है, अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग जैसे न्यूरोलॉजिकल रोगों के विकास का जोखिम भी कम हो जाता है। एक उन्नत धावक के लिए नमूना का एक उदाहरण, सोमवार 3 मील दौड़े, मंगलवार 30 मिनट का टेम्पो रन, बुधवार मील की गति से 4x400 मीटर, गुरुवार 3 मील दौड़, शुक्रवार आराम करें या 3 मील दौड़े, शनिवार 5 मील दौड़े और रविवार 6 मील की दौड़। तीसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं शेकल्टन का खोया हुआ जहाज अंटार्कटिक में पाया गया है? वैज्ञानिकों ने डूबने के 107 साल बाद तक के सबसे बड़े अंधे के जहाजों में से एक की खोज की है और इसे फिल्माया भी है। अंटार्कटिक खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शेकल्टन का खोया हुआ जहाज द एंड्योरेंस वेडल सागर के तट पर पाया गया। जहाज को समुद्री बर्फ से कुचल दिया गया और 1915 में डूब गया, जिससे शेकल्टन और उसके लोगों को पैदल और छोटी नावों में आश्चर्यजनक रूप से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही यह एक सदी से भी अधिक समय से 10,000 फीट पानी के नीचे चला गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह हाल ही में कुछ महीनों पहले डूबा है। इसकी लकड़ियां अभी भी बाधित है और नाम धीरज स्टर्न पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बिना किसी अतिशयोक्ति के यह अब तक का सबसे बेहतरीन लकड़ी का जहाज है। यह समुद्र तल पर सीधा है, समुद्र तल का गर्व है, अक्षुण्ण है और संरक्षण की शानदार स्थिति में है। खोए हुए जहाज को खोजने की परियोजना FMHT यानी फॉकलैंड्स मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा एक दक्षिण अफ्रीका आइस ब्रेकर अगुलहस 2 का उपयोग करके और दूर से संचालित पनडुब्बियों द्वारा किया गया। मिशन के नेता वयोवृद्ध ध्रुवीय भूगोलवत्ता डॉक्टर जॉन सियर्स ने कहा, उन्होंने लगातार समुद्री बर्फ, बर्फीला तूफान और तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक गिरते हुए तक को झेला है। चौथा, दोस्तों क्या आप जॉयस कैरोल विंसेंट की कहानी जानते हैं? दोस्तों यह एक ऐसी महिला है की घटना है जो कि अकेलेपन और अवसाद में मारी गई और मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। यह घटना लंदन के एक अपार्टमेंट में एक 35 वर्षीय महिला के कंकाल के अवशेष उसके सोफे पर मिले, जो चमकदार चादरों में लिपटे क्रिसमस उपहारों से घिरे हुए थे। हर जगह धूल की परतें और टीवी और हीटर भी
तब भी चालू थे। मौत के 3 साल बाद पुलिस ने उनकी कंकाल बरामद की। उसका शरीर इतनी बुरी तरह से सड़ चुका था कि पुलिस को दांतों के रिकॉर्ड की तुलना करके शव की पहचान करनी पड़ी। जॉयस सोफे पर मृत बीबीसी चैनल दिखाते हुए 3 साल तक जुकी चल रहा था। रेफ्रिजरेटर में बासी भोजन 2003 में समाप्त हो गया और गंदे व्यंजन सिंक में ढेर थे। बस एक ही तथ्य यह है कि एक सुंदर युवती अपने घर में मर जाती है और इस अराजक दुनिया में कोई भी उसकी मृत्यु के वर्षों तक को नोटिस नहीं करता। 5वां, दोस्तों वैसे तो हम सब यह जानते हैं कि अमीरों की शौक ही अलग होती है और वह अपने शौक को पूरा करने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ऐसा ही एक शौक अबू धाबी अरबपति मर्सिडीज 10 क्वाड टर्बो स्पोर्ट्स जॉब का गर्व मालिक है, जिसमें सफेद सोने से बना शरीर है, गोल्ड पेंट नहीं बल्कि गोल्ड अलॉय शीट मेटल, विशेष रूप से ठोस सोने की कार, 1600 हॉर्स पावर और 2800 Nm टॉर्क के साथ एक नया विकसित V10 क्वाड टर्बो है। कहा जाता है कि यह 2 सेकंड से भी कम समय में से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ लेती है और बायोफ्यूल से चलकर 6.89 सेकंड में 1/4 मील की दूरी तय कर लेती है। इस ज्वेलरी स्टोर ऑन व्हील की लागत 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने की सूचना है। दोस्तों इस लागत तक कई अरब देशों की गरीबी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त धन है। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।